नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज का प्रेरक कानूनी ज्ञान प्रोग्राम। और आज हमारे प्रेरक कानूनी ज्ञान प्रोग्राम में आप जो टॉपिक पे चर्चा सुनने वाले हैं वो है संविधान। जी हाँ, देश का संविधान यानी देश का कानून, क्या कानून है, क्या संविधान में आपके लिए है खास, वो जानेंगे हमारे खास मेहमान एडवोकेट अनिल श्रीवास्तव जी से। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। नमस्कार सर, आप हमें बहुत समय से इन अन्य विषयों पर टाइमिंग्स दे रहे हैं, हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं। आज हमने जो टॉपिक लिया वो संविधान लिया है। लोगों को, आम व्यक्तियों को संविधान का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। ऐसे में लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि संविधान को वो किस नज़रिए से देखें कि क्या होता है संविधान? देखिए, संविधान वैसे तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी ज़्यादातर रिक्वायरमेंट लोगों को नहीं रहती है, या उनको ऐसा लगता है कि मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। बट उसके पीछे सच ये है कि संविधान जितने भी कानून बने हैं उन सब का जनक है। संविधान के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता और कोई भी कानून संविधान को वायलेट नहीं कर सकता। जो संविधान के अंदर कहा गया है या जैसे संविधान के अंदर बताया गया है, उसी से या उससे बाहर कोई भी कानून नहीं बनेगा। तो ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है भारत का। पहले तो संविधान के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊँ आपको। भारत का सबसे बड़ा संविधान है विश्व में जो रिटन डॉक्यूमेंट है, और हमारा जो संविधान है वो अनेक देशों से उनकी जो अच्छी चीज़ें थी या अच्छे उनके विचार थे उनको उसमें सम्मिलित किया गया है। कई देशों के अनरिटन डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो लिखित में नहीं है, लेकिन हमारा भारत का सबसे बड़ा संविधान है जो लिखित में है, और इसमें हर एक चीज़ पर प्रकाश डाला गया है। कोई भी ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं गई है जो हमें बाद में चल के हमें प्रॉब्लम क्रिएट करे या हमारे लिए परेशानी क्रिएट करे। आप एक अधिवक्ता हैं, वकील हैं, आपकी नज़र में संविधान का बहुत वैल्यू, क्योंकि आपका जीवन यापन भी इसी से होता है। आपकी नज़र में इतने सारे देशों में सबसे अच्छा संविधान किस देश का है, आपकी एक अधिवक्ता की नज़र में, एक एडवोकेट की नज़र में? ऑब्वियसली भारत का है, क्योंकि भारत का संविधान सबसे बड़ा, लार्जेस्ट संविधान है, और क्योंकि जो फ्रेमर्स थे संविधान के, जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखा, इसलिए उन्होंने जो अलग अलग देश थे उनके जो अच्छे विचार थे उनको इसमें सम्मिलित किया। सबसे पहले एक प्रश्न मैं ले लेता हूँ, एक अलग से प्रश्न है कि एक आम व्यक्ति संविधान को कैसे समझे और क्यों समझे? संविधान को समझने के लिए सबसे पहले संविधान को पढ़ना पड़ेगा। वो बहुत सारी गवर्नमेंट भी जो हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो जगह जगह उसको उपलब्ध कराती हैं, उसके कई सेंटर्स हैं, वहाँ आप जाके ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसको लिखित में भी आप ले सकते हैं, बेरेट्स आते हैं या बुक्स आती हैं, उनको आप पढ़िए, समझिए। क्यों ज़रूरी है, उसके पीछे लॉजिक ये है कि आपको अपने अधिकार और अपनी ड्यूटी पता होनी चाहिए। अगर आपको अपने अधिकार पता है तो साथ में आपको अपनी ड्यूटी भी पता होनी चाहिए कि मुझे देश के लिए क्या करना है या मेरी ड्यूटी क्या है। आपको किसी ने डांट दिया या कुछ आप काम कर रहे हैं वो काम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, आपको डरा रहा है, धमका रहा है, तो उन चीज़ों से बचने के लिए, अनवांटेड चीज़ों से बचने के लिए आपको संविधान का ज्ञान होना चाहिए कि मैं अपने इस देश में रहता हूँ एज ए नागरिक, मेरे क्या अधिकार हैं और मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो पता करने के लिए हमें जो है संविधान को पढ़ना बहुत आवश्यक है। आपने एक अच्छी बात बताई कि आपको आपके अधिकार पता होना चाहिए। इससे पहले हमारा ये वीडियो आपने देखा होगा, इसी एपिसोड में से आपने देखा होगा मौलिक अधिकार, वो मौलिक जो अधिकार थे इसी संविधान का एक रूप है, इसी संविधान में से लिए गए हैं। तो आपको पहले भी हम बता चुके कि अगर आपने संविधान पढ़ा है तो वो मौलिक अधिकार भी आप पढ़े होंगे, और अगर आपने वहाँ नहीं पढ़ा तो आप हमारी वीडियो देखकर भी अपने जरूरी जरूरी कानून को समझ सकते हैं, जो कि अभी एडवोकेट अनिल श्रीवास्तव जी आपको हमारे इस स्टूडियो में समझा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रश्न रहता है आप प्रश्न भी भेज सकते हैं। आपको लगता है कि आपने हमारी और कोई अन्य वीडियो नहीं देखी तो आप उनको भी जाकर दे सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे, या आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा तो आपको वहां से भी मिल जाएंगे। बहुत सारी वीडियो है कानून से रिलेटेड हमारे चैनल पर, इसी तरीके से बने रहिए। अब मैं एडवोकेट अनिल जी से एक और प्रश्न लूँगा कि पूरी दुनिया के अंदर हमारे संविधान को सबसे बड़ा बनाया गया, रीज़न क्यों? रीज़न ये है कि कुछ चीज़ें छूटे ना। हमारा देश एक गुलाम देश था, अंग्रेज़ों का शासन था, उस समय अंग्रेज़ों को हटाया गया जब वो यहाँ से गए, तो हम चाहते थे कि कोई ऐसी व्यवस्था बने जिसके अंदर सभी के अधिकार सुरक्षित रहें। अधिकारों के साथ साथ फिर ये होता है कि अगर अधिकार हैं तो अधिकारों का अनवांटेड यूज़ ना होने लगे, उनको लोग मिसयूज़ ना करना शुरू कर दें, तो इसलिए फिर ड्यूटीज़ आए।
तो वो ड्यूटीज़ भी दी गई कि आपके कर्तव्य हैं, साथ में आपकी ड्यूटीज़ भी हैं, उसको आप परफॉर्म कीजिए। साथ में अनेक कोई भी कानून बनाना है तो उस कानून को संविधान के दायरे में रह के बनाना पड़ेगा। महिलाओं के लिए अलग से अगर कोई कानून बनाना है तो उसका प्रोविज़न भी दिया गया। स्टेट्स को, राज्यों को क्या काम करना है उसके लिए भी अलग प्रोविज़न दिया गया। शिक्षा का अधिकार दिए गए, बहुत सारी चीज़ें दी गई। तो बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा भारत का, और बहुत ज़रूरी भी है वो हर एक देश के लिए। देखिए, हर व्यक्ति पर अपनी अपनी ज़रूरत है, जीवन यापन कर रहा है, कानून की तरफ नहीं आता, उन्हें लगता है कि अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनका उनसे हम लोग सलाह ले लेंगे। ऐसे में क्या ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें हैं जो इतनी बड़ी संविधान, जैसा आपने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत का है, क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो लोगों को ध्यान देना चाहिए उन पर? देखिए, संविधान भारत का बहुत बड़ा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब तक हम उस संविधान को पढ़ेंगे नहीं या समझेंगे नहीं, तब तक हमें सिर्फ सुनने से हम वो चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। दूसरी बात यह है कि एज ए स्टूडेंट जब बचपन से हम स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई, तो सिविक्स में भी कुछ चीज़ें दी होती हैं, किताबों में भी कुछ कुछ चीज़ें दी हुई हैं, तो वो गवर्नमेंट भी जो है बुक्स के थ्रू कुछ कुछ पढ़ाने की कोशिश करती है, चीज़ों को पता होना चाहिए। और एक कानून भी है कि लॉ ये मान के चलता है कि आपको सारे कानून पता है, चाहे बेशक आपको ना पता हो, तो इसलिए भी आपको जो है अपने चीज़ों के बारे में, अपने देश के बारे में जानने के लिए कानून को पढ़ना चाहिए। संविधान तो ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसी से सारे कानून बनेंगे। आपने कभी बहुत अच्छी बात कही कि कानून मानता है कि आपको आपके अधिकार पता है, आपको कानून पता, अगर आपको नहीं पता तो वो आपकी गलती है, ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने इस चीज़ों को मैंने देखा भी कि कई बारी ट्रैफिक रूल्स आप से आप अवेयर नहीं होते, आपको पता ही नहीं होता कि कहाँ रुकना है, कहाँ खड़ा होना है, और ट्रैफिक वाले आपका चालान कर देते हैं। उस एवज में आप सिर्फ उनसे ये कहते हैं कि नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ ऐसा नहीं होता, तो भी आपका चालान होता है। रीज़न कि आपने जो बात कही थी वो सही है कि आपको कानून का ज्ञान होना जरूरी है। आप कैसे लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, दिस इज योर साइड। तो अच्छी बड़ी बात लगी, और सब लोगों को पता भी होना चाहिए कि कानून की जानकारी आपको नहीं है तो आपको नुकसान भी होगा, इसलिए कानून की जानकारी लेते ना। और अभी आप कानूनी की जानकारी ले ही रहे हैं, आपको डरने का जरूरत नहीं है, और बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी सिर्फ यहीं मिलने वाली है और कहीं नहीं। तो अगला प्रश्न लेते हैं, आपने कहा बड़ा है, कितना बड़ा है भारत का संविधान? देखिए, बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि मतलब वो वॉल्यूम में बड़ा है या क्या है, मतलब उसमें बड़े का मतलब ये है कि उसमें सभी चीज़ों को सम्मिलित करने की कोशिश की है, उस चीज़ में बड़ा है। संविधान को लोगों को किस किस भाषा में भारत में उपलब्ध कराया गया है? जितनी भी राज्य भाषाएं हैं सभी लगभग भाषाओं में उपलब्ध है, या अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में तो हर जगह अवेलेबल है, आप कहीं भी जाके पढ़ सकते हैं। क्या संविधान में बदलाव भी होते हैं? हाँ, संविधान में बदलाव भी होते हैं, उसके लिए प्रक्रिया दी गई है कि किस तरीके से उसके संविधान के अंदर बदलाव होंगे, लेकिन उसका प्रीएम्बल जो है चेंज नहीं होगा, और उसका जो मूल सिद्धांत है वो चेंज नहीं होगा। एक आम व्यक्ति को कानून में यानी संविधान में कुछ बदलाव हो जाते हैं, कैसे पता लगेगा कि कुछ बदलाव हो गए एक आम व्यक्ति को? संविधान के अंदर जब बदलाव होता है, देखिए इन चीज़ों में होता क्या है कि पार्लियामेंट को लॉ बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, तो हमारा जो देश का पार्लियामेंट है वो संविधान बनाता है, संविधान के अंदर चेंजेस करता है। जब वो चेंजेस करता है तो उसके लिए एक उनकी पार्लियामेंट की जो बॉडी है उसमें आप जाके उस चीज़ का ड्राफ्ट पढ़ सकते हैं कि इस समय क्या चेंजेस हो रहे हैं या क्या हो रहे हैं। जब पार्लियामेंट सेशन में होता है तो वहाँ सब जानकारी मिल जाती है, इन चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं। फिर नॉलेज है, गूगल पे आप देख सकते हैं, ऑनलाइन आप चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, वीडियोज़ देख सकते हैं, मीडिया है, इन चीज़ों से पता लग सकता है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोगों को उस चीज़ में अवेयर रहना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति को संविधान की, कानून की जानकारी नहीं होती, वो ऐसे में क्या करे कि उसको मतलब कॉमन जानकारी तो कम से कम मिल जाए, ऐसी कोई किताब जो कॉमन हो, ऐसी कोई न्यूज़पेपर, कोई चैनल आप रिकमेंड करना चाहेंगे? देखिए, भारत का अगर संविधान जानना है तो भारत का संविधान नाम से ही पुस्तकें उपलब्ध हैं, आप किसी भी बुक स्टोर पर जाइए आपको उपलब्ध हो जाएगी इजीली, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपकी भाषा में? हाँ, उसकी भाषा में, जिस भाषा में, हिंदी इंग्लिश, जनरली हिंदी इंग्लिश में लोग जानते ही हैं, तो हिंदी इंग्लिश अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। दूसरा और भी कानून है, उन वो किताबें भी जो हैं उसी भाषा में उपलब्ध हैं, आप जाइए पढ़िए खरीदिए। आप एक अधिवक्ता हैं, आपके पास बहुत सारे केसेस आते रहते हैं, ऐसे में आप देखते होंगे कि केसेस आने की या कोई भी क्राइम होने की वजह क्या संविधान की जानकारी न होना है, या फिर लोग जानकारी होते हुए जानबूझ के कर रहे हैं? देखिए, कुछ चीज़ों में अगर संविधान की या कानून की जानकारी आप होगी तो कुछ चीज़ों से आप बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। क्राइम होने की जो संभावना होती है वो एक
इंटेंस माइंड का एक एक्ट होता है, वो अलग चीज़ है। बट ये है कि अगर आपको कानून की जानकारी है तो आप अनवांटेड चीज़ों से बच सकते हैं। तो उसके लिए आप किताबें पढ़िए, नॉलेज सर्च कीजिए, वो उससे आप पता लगा सकते हैं। और आपका चैनल है बड़े चलो न्यूज़, ये तो जानकारी दे ही रहा है। आपको क्या लगता है कि अगर लोगों को कानून की थोड़ी अच्छी जानकारी हो जाए तो जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं कम होंगी या कोई बदलाव होगा? हाँ, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में कमी आएगी, जाहिर सी बात है। जब उनको अपने ये पता होगा कि मैं ये क्राइम करूँगा तो इस क्राइम करने से मुझे क्या पनिशमेंट होगी, कई बार आदमी को पता ही नहीं होता कि मुझे पनिशमेंट भी हो सकती है, तो उन चीज़ों से बचने का उसको पता ही नहीं है, तो वो क्या बचाव करेगा या क्या प्रिवेंटिव एक्शन लेगा। ये वाली बात कॉमन है जो आपने कही और मेरे भी दिमाग में आई कि अगर हमें सबको कानून की जानकारी हो तो कहीं ना कहीं क्राइम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी। ऐसे में सरकारें क्या कर रही हैं, क्या इस पर की कोई अवेयरनेस दे रही हैं? सरकारों ने बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हैं, विलेज लेवल पे भी वो चलाते हैं ग्राम पंचायतों के थ्रू, और स्टेट गवर्नमेंट भी चलाती है। लेकिन ये है कि जब व्यक्ति उसमें इंटरेस्ट दिखाएगा या व्यक्ति उस चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा तभी उसका कुछ बेनिफिट मिल पाएगा। अगर हम उन चीज़ों को समझेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो फिर वो चीज़ें मुश्किल ही क्रिएट करेंगी। लगता है ज़मीनी स्तर तक सरकार की ये स्कीमें पहुँच रही हैं? ज़मीनी स्तर तक वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक को भी उसमें अवेयर होना पड़ेगा, उनको भी समझना पड़ेगा कि मेरे अधिकार क्या हैं, हमें क्या करना है, मेरी ड्यूटी क्या है, क्या चीज़ करने से मुझे क्या नुकसान है। चीज़ों को समझने के लिए कानून का ज्ञान चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए, अगर हमें लगता है कि कहीं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी तो हमें ये जानकारी ज़रूर लेनी चाहिए। ज़मीनी स्तर पर सरकार के प्रोग्राम नहीं उतर पाते हैं, रीज़न आपकी अवेयरनेस नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको भी अवेयर होना पड़ेगा कि हमें ऐसी चीज़ों की जानकारी दी जाए, नहीं दी जा रही तो आप लें। तरीके बहुत हैं, कानून है, कानून पर किसी का अपना कोई राइट नहीं है, उसे आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़े लिखे हैं नहीं हैं समझ सकते हैं, आपकी क्लास में स्कूलिंग लेवल में एजुकेशन में है या नहीं है, लेकिन आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। ये थे एडवोकेट अनिल श्रीवास्तव जी जो हमारे साथ जुड़े हैं और आपको कानूनी ज्ञान देने में लगे हैं। अगर आपको लगता है कि आप अवेयर होना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ जाएं। जुड़ने के लिए करना क्या है, करना सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब है और बेल आइकन को क्लिक करना है। जैसे बेल आइकन को क्लिक करेंगे हमारे अगले एपिसोड की वीडियोज़ आपको तक आती रहेंगी। हर संडे और मंडे को हमारी वीडियोज़ पहुँचेंगी आप तक। आपको एक टाइम फिक्स मिलेगा जिस पर वीडियो आपको मिल जाएगी और आपकी अवेयरनेस में 10 से 15 मिनट हम आपके जीवन के लेते हैं, जिसमें कानून की बहुत सारी जानकारी आपको देने की कोशिश करते हैं। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि आपका कोई प्रश्न है जिसे आप पूछना चाहते हैं, हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम वकील साहब से उनके आंसर्स आपको दिलाएँ जिससे कि आपकी समस्या दूर हो। इसके अलावा भी आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं कि आपकी समस्या का जो आपके दिमाग में आंसर है वो सही है या नहीं है, या आप हमसे उसका आंसर लेना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वकील साहब को भी हम थैंक यू सो मच बोलेंगे कि आप हमारे साथ बहुत समय दे रहे हैं, आप बहुत समय से लोगों की सेवा कर रहे हैं, और ये भी एक सेवा भाव से ही आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अब आप चाहते हैं कि वकील साहब हमारे साथ जुड़े रहे हैं, एडवोकेट अनिल श्रीवास्तव जुड़े रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, और बढ़े चलो।